हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। क्योंकि अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट ग्रेड है, उसके अलावा सुपरवाइज़र है, कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप लोगों के लिए जनरल साइंस लगी हुई है, और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जनरल साइंस पे भी वीडियो अपलोड किया जाए, तो सेम आप लोगों के लिए वीडियो मैं आज के लिए लेके आई हूँ। और ये ढींगरा क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनरल साइंस के, सो होप कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की डिमांड रही तो मैं इस क्वेश्चन इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। और राइट, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट वन इज़, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड, ये आप लोगों की फर्स्ट ग्रेड में भी लगा हुआ है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है द मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां मनुष्य शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्लों से। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने मात्राएं जोड़े होते हैं, देखिए मनुष्य शरीर में 12 जोड़े होते हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो देखिए जब भोजन को पकाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन है उसमें से खत्म होते हैं। साथ ही आप लोग, ये कुछ रासायनिक सूत्र हैं और उनके साधारण नाम है और उनका रासायनिक नाम है, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। ओके, सो ये एक प्रमुख खनिज अम्ल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ मैं। मानव शरीर की कौन से अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो देखिए जांघ की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है, फीमर, पैर की जो हड्डी होती है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है, उसका नाम फीमर होता है। नेक्स्ट है, इथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि हो सकती है, तो वो होती है यकृत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो देखिए टाइलिन पाया जाता है लार में, जो मुख से लार निकलती है जो भोजन का पाचन करती है। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। सेरेब्रम किसे संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम है, और ये है मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग है प्र मस्तिष्क, अभी हमने देखा था। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान जो होता है उसे कहते हैं सिनेप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में मेरुदंड के कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो देखिए वो है 31। और यहाँ हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने पसलियों के जोड़े देखे थे, वो है 12, और आपके जो मेरुदंड है यानी कि उसके जोड़े हैं 31। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, देखिए जो डायबिटीज पेशेंट है उनको जो हार्मोन इंसुलिन दिया जाता है उसकी खोज की थी एफजी बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जीन शब्द किसके द्वारा बनाया गया था, ये शब्द का दिया था WH जोहानसन के द्वारा। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो वो है थायरोक्सिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, देखिए ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का कार्य है, ये डिंगा क्लासेस हैं इसके क्वेश्चन है फ्रेंड। ये ऑक्सीजन का परिवहन क्या किसका कार्य है, हीमोग्लोबिन का। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो रक्त दाब यानी कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा ही शरीर का पूरा कंट्रोल होता है, उसका समन्वय होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, तो देखिए पीयूष मस्तिष्क, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क के आधारों में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों में जीविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है,
मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशो टोन को संधारित करता है, वो है चोट लगने पर दवा लगाना। दो तंत्रिकाओं की कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? वो है पीयूष ग्रंथि। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है, तो देखिए अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से किस रोग के होने की संभावना होती है? देखिए, शरीर में जब डायबिटीज हो जाता है इंसान को, तो उसके इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए इंसुलिन उसके इंजेक्शन के रूप में उसे दिया जाता है और उसकी पूरी पूर्ति की जाती है। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावण करती है वो है लेंगहेंस की दीपिकाएं, जो लेंगहेंस की दीप कोशिकाएं हैं वो करती है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो देखिए वो आयोडीन की होती है, सॉरी। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, तो देखिए तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होगी? तंत्रिका ही होगी। किस ग्रंथि के कम स्राव से मानव के जनने तंत्रिका पूर्ण विकास नहीं होता है? तो जनन ग्रंथि का अगर विकास नहीं होगा तो उसके जनन अंग भी विकसित नहीं हो पाएंगे। मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या है, तो वो है 13। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा। नर्व हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया? तो वो है चार्ल्स डार्विन। आपातकालीन हार्मोन है, वो है एड्रिनल। द्वितीय नर लैंगिक लक्षणों का कारण है, वो है एस्ट्रोजन। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। नेक्स्ट है, प्राण रक्षक हार्मोन है, तो वो है मिनरलोकोर्टिकॉइड। लंबाई बढ़ाने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? तो देखिए लंबाई बढ़ाने पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीन का निर्माण होता है प्रहोशीर्ष में। मानव शरीर का संतुलन किससे नियंत्रित होता है? वो है अनुमस्तिष्क से। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो देखिए खून का 95% जो है वो शरीर में जल होता है, यानी कि जितना प्रतिशत आपके शरीर में खून होगा उसका 95% आपके शरीर में जल की मात्रा होगी। रित स्रावण स्राव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? वो है प्रोजेस्टेरोन। एड्स का कारण है एचआईवी वायरस। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म है हैजा और क्षय, ये बैक्टीरिया से होते हैं, और वायरस जनित रोग है इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू बुखार। शिशुअवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वो है पोलियो। पोलियो के रोग के कारण उसे तीन एक एक अंतराल में 3 बार दवा पिलाई जाती है। मलेरिया रोग उत्पन्न होने वाला कारक है, तो देखिए मादा एनाफिलीज इसका मच्छर है और प्रोटोजोवा है, ये प्रोटोजोवा जनित रोग है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला कारक है वो है एड्स। सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग के प्रभावित होने को बताते हैं? वो है मस्तिष्क। फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे खांसी आती है। स्वयं की जीव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है वो है बैक्टीरिया। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वो है चेचक। भोजन का पाचन आमाशय में होता है। पचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान होने चाहिए। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं का कार्य है भोजन का स्वाद देखना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, और आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियोस और अपलोड किया जाए तो आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। सो होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। गुड लक एंड गुड बाय।